और गाजा जंग पर नेतन्याहू ने मीडिया से बात की। लंबे समय तक गाजा की जिम्मेदारी संभालनी होगी, जंग खत्म होने के बाद गाजा को संभालना होगा। गाजा में वो रहेंगे जो हमास के साथ नहीं होंगे, बंधकों की रिहाई तक युद्ध विराम नहीं होगा। एक और अहम खबर है, नेतन्याहू के बयान का अमेरिका ने विरोध किया है। नेतन्याहू ने जंग के बाद गाजा की जिम्मेदारी संभालने की बात कही थी। गाजा पर इजरायली कब्जा ठीक नहीं, व्हाइट हाउस की ओर से कहा गया। जंग के बाद गाजा पर इजरायल का कब्जा गलत है, व्हाइट हाउस ने अपना बयान जारी किया है। और अमेरिका की ईरान को सीधी चेतावनी, गाजा जंग में घुसे तो परमाणु प्रहार करेंगे, यूएस ने चेतावनी देते हुए कहा है। अमेरिका ने भूमध्य सागर में उत्तरी परमाणु उतारी है परमाणु पनडुब्बी, और यूएसएस फ्लोरिडा परमाणु पनडुब्बी की तैनाती कर दी है। तो ईरान को यह सीधी चेतावनी अमेरिका की तरफ से। इसराइल हमास युद्ध के बीच अमेरिका ने अपनी सबसे ताकतवर परमाणु पनडुब्बी यूएसएस फ्लोरिडा भूमध्य सागर में तैनात कर दी है। ये पनडुब्बी 154 टोमाहॉक क्रूज मिसाइलें और 20 एसएलबीएम ट्राइडेंट मिसाइलों से लैस है। इसकी तैनाती के साथ ही वॉशिंगटन ने ईरान को साफ साफ बता दिया है कि यदि तेहरान ने गाजा की लड़ाई में हस्तक्षेप करने की कोशिश की तो वो हमला करने से नहीं चूकेगा। अमेरिका ने पहली बार खुद ही अपनी परमाणु पनडुब्बी की तैनाती का खुलासा किया है, जबकि आमतौर पर इसकी तैनाती की जानकारी किसी को नहीं दी जाती और न ही इसमें लोड हथियारों की। ये चुपचाप समुद्र में गोते लगाते हुए पेट्रोलिंग करती रहती है, लेकिन इस बार ऐसा नहीं है। एक तरफ ईरान को इजराइल पर हमला करने वाले हमास और हिजबुल्ला के समर्थक के तौर पर देखा जाता है, तो वहीं अमेरिका हमेशा से इजराइल का समर्थक रहा है। हमास के हमले के तुरंत बाद अमेरिका ने कहा था कि इजराइल को अपनी रक्षा का हक है। गाजा के भारी विध्वंस के बावजूद वो इजरायली स्टैंड के साथ है। अमेरिका ने ये नहीं कहा कि इजराइल युद्ध रोके, हाँ ये जरूर कहा कि हमास के आतंकियों के अपराध की सजा फिलिस्तीन के नागरिक को नहीं दी जा सकती। और यूएस ने उतारी परमाणु पनडुब्बी, इसके बारे में जानकारी आपको दे दे, और ईरान को सीधी चेतावनी भी दी गई है। अमेरिका ने दरअसल तेहरान का को दिया है एक सख्त संदेश, गाजा जंग में एंट्री की तो परमाणु हमला करेंगे, यह धमकी दी गई है। भूमध्य सागर में परमाणु पनडुब्बी यूएसएस फ्लोरिडा तैनात और 20 एसएलबीएम ट्राइडेंट और 154 टोमाहॉक क्रूज मिसाइलों से लैस है ये। अमेरिका ने खुद बताई अपनी परमाणु पनडुब्बी की तैनाती। साथ ही जानकारी ये भी कि अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने सोशल मीडिया पर इसकी जानकारी दी है। मिडिल ईस्ट में ओहायो क्लास सबमरीन की तैनाती की बात बताई, तो ये बड़ी जानकारी है। और इस बीच एक और अहम खबर, गाजा में हमास के खिलाफ अब बगावत होने लगी है। हमास के खिलाफ बोलने लगे लोग, नागरिक ठिकानों को अड्डा बना रहा है हमास।